राधे रॉयल चैनल पर स्वागत है दोस्तों, और स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि भाई इसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, फेज वन का, जो कि स्टार्ट होने वाला आपका सोना। तो ये है सोना इंटरचेंज, यहीं से स्टार्ट होने वाला आपका जो फेज वन का होगा। सामने आप देख पा रहे हो, यह सोना एक्सप्रेसवे और यह है सोना इंटरचेंज, और यहीं से कनेक्ट होता है आपका ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जो स्टार्टिंग होने वाली है आपकी इस फेज वन की, वो यहाँ से होने। तो सामने आप देख पा रहे हो, इधर है राजीव चौक, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर है। यहाँ से आप सामने एक्सप्रेसवे यू टर्न मार के सीधा इस मेन अलाइनमेंट पर आप कनेक्ट हो सकते हो। सामने आप देख पा रहे हो, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, जो कि सामने की ओर है। नीचे आप देख पा रहे हो भाई, सोना एक्सप्रेसवे है ये, जो कि मैं आपको इसकी भी वीडियो अपडेट दे चुका हूँ। और इसी जगह से स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जाने वाला है दौसा के, तो दौसा पे इस इंटरचेंज पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, जिससे एक साइड जा सकते हो आप जयपुर, एक साइड जा सकते हो आप आगरा की ओर। तो यहीं तक ये फेज वन स्टार्ट होने वाला है आपका। तो कल यानी 12 फरवरी को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं इस फेज वन का इनॉग्रेशन, जो कि होने वाला है दिल्ली से लालसोट दौसा तक। तो उसी की तरह इसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पे जोर शोर से काम किया जा रहा है दोस्तों। जो काम किया जा रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है आप देख लो, क्योंकि कल 12 तारीख होने वाली है। तो उसी की तरह मैं आप पूरी टीम यहाँ पे देख सकते हो भाई, कितनी टीम यहाँ पे काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा तैयारियों को लेकर जुटी हुई है सारे के सारे यहाँ पे। और इसमें बात करता चलूँ, मैं सारी चीज़ें असम्बल्ड हो चुकी हैं यहाँ पे, पेट्रोल पंप से लेके आपको यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट भी यहाँ पे असम्बल्ड कर दिया गया है। रेस्ट एरिया भी यहाँ पे, रेस्ट एरिया में जो फूड कोर्ट होता है, फूड कोर्ट को भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। क्यों भाई, तैयारियाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वीडियो के थ्रू कि भाई कितनी जबरदस्त यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है। कल की ओपनिंग को लेकर लोग इतना एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि भाई कि कल की डेट में तो क्या बताऊँ मैं आपको ना, आप ट्रेवल करोगे तभी आपको पता चल पाएगा भाई क्या जबरदस्त ये एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो उसी की तैयारियों में आप देख पा रहे हो कि भाई ये फूड, ये है आपका फूड कोर्ट। सामने आप देख पा रहे हो भाई, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग असम्बल करा है। ये सामने आपको फूड कोर्ट तैयार हो चुका है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह जो कुछ भी आपको यहाँ पे चाहिए, तो सब कुछ आपको तैयारी के साथ में ये ओपनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि और एक्सप्रेसवे की तरह पहले आपको, और बात करता चलूँ मैं पूरे अलाइनमेंट की, तो ये स्टार्ट होने वाला है इंडिया कैपिटल दिल्ली से, और दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा ये महाराष्ट्र मुंबई तक। और इसकी जो टोटल लंबाई होने वाली है, वो होने वाली है 1380 किलोमीटर, और इसको ये 5 राज्यों से कनेक्ट करेगा। स्टार्ट होगा दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए सीधा चल जाएगा ये आपका मुंबई तक। अभी फ़िलहाल जिस शहर से इसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है फेज़ वन की, वो आप कनेक्ट कर सकते हो जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, दौसा और सवाई माधोपुर तक। Thank you.
We'll be right back.
तो दोस्तों जैसे ही आप एक्सप्रेस वे से एग्जिट लेते हो आगरा हाईवे के ऊपर, तो ये आपको सामने मिल जाता है आगरा हाईवे जो कि कनेक्ट करता है आपको जयपुर से। ऊपर देख पा रहे हो आप, ये एक्सप्रेस वे लाइन। और आप अगर आ रहे हो आगरा साइड से, जाना आपको दिल्ली साइड, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इस इंटरचेंज के थ्रू, और सामने की और आप जा सकते हो सीधा जयपुर। तो जयपुर का मैंने आपको बताया था डिस्टेंस यहाँ से 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर आपको इसी हाईवे के ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा जो आगे जाके कनेक्ट कर देगा आपको जयपुर से। तो इस पे भी ये आपका 4 लाइन का हाईवे है दोस्तों, तो इस 4 लाइन के हाईवे के थ्रू आप जा सकते हो जयपुर। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक और इस पर रोड दिया जा रहा है जो कि दिया जा रहा है आपका जयपुर से और सीधा बांदीकुई, तो आपका वो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। वो आपका पूरा वो भी ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट बन रहा है, तो उसको बन जाने के बाद में आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप बांदीकुई से कनेक्ट कर जाओगे जयपुर के। रिंग रोड पे कनेक्टिविटी मिलेगी, पूरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होने वाला है। उसमें सिर्फ ट्रेवल टाइम आपको जो होने वाला है आधा घंटे का टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो आपका 60 किलोमीटर के समथिंग का एक एक्सप्रेस वे बनेगा, क्योंकि इस पर जो लिमिट दी गई है वो दी गई है आपको 60 किलोमीटर की,